बीती रिपोर्ट में आप सभी ने देखा होगा कि नताशा और हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो चुका है, और यह डिवोर्स क्यों हुआ है गाइज, मैं आपको आज की इस वीडियो में इसका रीज़न बताने वाला हूं। गाइज, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, इसका रीज़न और कुछ नहीं आ रहा है, इसका रीज़न आ रहा है जो नताशा का एक्स बॉयफ्रेंड है अली गोन, वह बताया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि वह नताशा शादी के बाद भी जाती थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में और उससे बातें करती थी। पर गाइज, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अभी की सबसे बड़ी अपडेट यह निकल कर आ रही है, नताशा ने अपने नाम के अंदर से हार्दिक पांड्या का जो सरनेम था पीछे का पांड्या, वो भी हटा दिया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, जैसा कि गाइज आप सभी ने देख ही लिया होगा। और गाइज, अभी सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि हार्दिक पांड्या को अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा नताशा को हार्दिक पांड्या ने दे दिया है। इस बात में कितनी है सच्चाई, तो गाइज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हार्दिक पांड्या और नताशा की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, ऐसी सोशल मीडिया पर अपडेट फैलाई जा रही है, या फेक अपडेट है या रियल अपडेट है वो तो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। पर गाइज, आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच में डिवोर्स हो गया है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और गाइज, आप सभी को हार्दिक पांड्या नताशा के साथ में जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताना। होप करता हूँ यह छोटी बड़ी अपडेट आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड सी यू गाइज़।